भगवान विष्णु के भक्त जनों को मेरा प्रणाम। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म के अनुसार ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। अपरा एकादशी के दिन हर वस्तु में तुलसी दल डालकर प्रभु को भोग लगाने के पश्चात ही उसे ग्रहण करना चाहिए। यह अपरा एकादशी या अचला एकादशी कथा पद्म पुराण के उत्तर खंड में वर्णित है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। उनके ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसे पढ़ने या सुनने से सहस्त्रों गायों को दान करने का फल प्राप्त होता है। तो आइए अब अपरा एकादशी की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में बहुत ही प्रतापी राजा राज करता था। उस राजा के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम महीध्वज तथा छोटे पुत्र का नाम वज्रध्वज था। राजा का बड़ा बेटा बहुत ही धर्मात्मा व दयावान तथा प्रतापी था। इस कारण राज्य की जनता ने राजा से अनुरोध किया कि आप अपने बड़े बेटे महीध्वज को युवराज घोषित करने की कृपा कीजिए। तब राजा ने महीध्वज को युवराज बना दिया। जब राजा वृद्ध हो गए तो उन्होंने महीध्वज को राजा बनाकर उसे राज सिंहासन पर बिठा दिया। राज्य में चारों ओर खुशी ही खुशी थी, किंतु महीध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। उसे राज सिंहासन न मिलने से वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था तथा मन ही मन उससे शत्रु भाव रखता था। वह राज सिंहासन पाने के लिए अपने बड़े भाई को मार डालना चाहता था। एक दिन वह अपने बड़े भाई महीध्वज से बोला, भैया, हम लोग शिकार करने जंगल चलें। छोटे भाई के ऐसे आग्रह करने पर महीध्वज तैयार हो गया। दोनों शिकार करने के लिए जंगल में गए और जंगल में ही अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसी में दबा दिया। ऐसा करके वह अपने राज्य खुशी खुशी लौट आया तथा राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। महीध्वज की आत्मा पीपल के पेड़ पर वास करने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। एक दिन धौम्य ऋषि उस पीपल के वृक्ष के नीचे से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपने तपोबल से उस आत्मा के जीवन का पूरा वृतांत जान लिया। फिर ऋषि ने महीध्वज को पीपल के पेड़ के नीचे से उतार कर परलोक सिधारने का उपदेश दिया और कहा, हे महीध्वज, तुम प्रेत योनि से छुटकारा पाने के लिए अचला एकादशी का महात्म्य सुनो। ऋषि ने महीध्वज को महात्म्य सुनाया तथा उसको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य उसे दे दिया। एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त करके महीध्वज की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई और स्वर्ग चली गई। इस प्रकार अपरा एकादशी का महात्म्य तथा इसकी पौराणिक व्रत कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा इसी प्रकार की पौराणिक व्रत कथाओं को सुनने के लिए मंत्र सरोवर चैनल को सब्सक्राइब करें।